हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, जो बहुत ही जरूरी था। राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन, वेतन भत्ते, कार्यकाल, पदत्याग आदि से संबंधित सारी जानकारियां वहां पर हम लोग ले चुके हैं। अब इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां, उनके कर्तव्य क्या हैं, इसको जानने जा रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक छात्र हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से यह बहुत ही अहम जानकारी होगी, और साथ ही देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते इस तरह की जानकारियों को रखना आपसे अपेक्षित है। इसलिए जानें, समझें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना भी ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की जानकारियों से संबंधित वीडियो को अक्सर लाते रहता हूं, उनसे आपकी जानकारी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर आप उसका लाभ उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिहाज से हमारे वीडियो जो होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं, आपको आगे की राह दिखाएंगे, आपका पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसे देखें, परखें, जांचें, साथ ही वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें, यानी वीडियो को शेयर करें। आइए इस वीडियो का आनंद लेते हैं, देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने समझा है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख के साथ ही साथ शासन का भी प्रमुख होता है, लेकिन वह वास्तविक प्रधान नहीं होता है, बल्कि उसकी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद में निहित होती हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई भी अपना कार्य कर सकता है, उसके अलावे नहीं। संविधान में ऐसा ही वर्णित किया गया है। वह कार्यपालिका का प्रधान तो है, लेकिन वास्तविक शक्तियां उसके हाथ में निहित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र का एक प्रतीक मात्र है। चूंकि भारत एक गणतंत्र है और इस गणतंत्र में चुना गया प्रधान होता है, और उस प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, इसलिए वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में नहीं दी गई हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था का चयन किया गया है, जैसा कि ब्रिटेन में है, वहीं पर शासन की प्रणाली के तौर पर एक दूसरी भी व्यवस्था है जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जैसा कि अमेरिका में है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के हाथों में ही शासन की कमान होती है और राष्ट्रपति ही वहां का वास्तविक प्रधान होता है। तो उससे अलग स्थिति भारत के राष्ट्रपति की है, यानी भारत के राष्ट्रपति प्रधान तो हैं, लेकिन वह प्रतीकात्मक प्रधान हैं, सिर्फ औपचारिक प्रधान हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, वास्तविक शक्तियाँ उनके हाथों में ना होकर के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद में होती है। वहीं पर ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और वहाँ भी शासन का प्रमुख जो होता है वह औपचारिक प्रमुख ही होता है, जो कि वहाँ का राजा होता है, और यही बात भारत को अलग करती है ब्रिटेन से। भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख मतलब राष्ट्रपति वह चुने गए होते हैं, आनुवंशिक नहीं, हर 5 साल की अवधि पर उनका चुनाव होता है, जबकि ब्रिटेन में राजा ही औपचारिक प्रमुख होता है और राजा का वहां पर चुनाव नहीं होता है, बल्कि राजा का पद आनुवंशिक है, मतलब राजा के बाद उनका उत्तराधिकारी राजा होगा और वही औपचारिक शासन प्रमुख होगा। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि भारत में औपचारिक प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख के लिए यानी राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं, और चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। भारत में भी इस पर सवाल खड़ा हुआ था, मतलब संविधान सभा में राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने की भी बात कुछ सदस्यों के द्वारा की गई थी, लेकिन इस बात को ऐसे नहीं माना गया कि अगर प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होंगे और भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
मंत्री परिषद की वास्तविक कार्यपालिका होगी। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएगा तो दो अहम पदों के बीच में टकराव की स्थिति होगी और ऐसी टकराव राष्ट्रहित में नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव अगर प्रत्यक्ष रीति से होगी तो उसे वास्तविक कमान भी देनी होगी जो कि संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल होगा। संसदीय व्यवस्था में तो मंत्रिपरिषद ही प्रधान होती है, वास्तविक कार्यपालिका वही होती है, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से नहीं कराया जा सकता। दूसरा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर प्रत्यक्ष चुनाव हो तो भारी भरकम खर्च होगा, जबकि उसको प्रतीकात्मक प्रमुख रहना है तो ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन ठीक नहीं है। कुछ सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल प्रणाली पर भी आक्षेप किए गए थे कि आनुपातिक प्रणाली तो वहाँ होती है जहाँ दो या दो से अधिक सदस्यों का चयन करना होता है और यहाँ तो राष्ट्रपति का एक ही पद है, इसलिए आनुपातिक शब्द के बजाय दूसरा वैकल्पिक शब्द होना चाहिए था। और एकल संक्रमणीय मत पर भी कुछ सदस्यों का सवाल था कि यह एकल मत नहीं होता है बल्कि मत तो बहुल हो जाता है। इसके अलावे कुछ सदस्यों ने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ संसद के द्वारा हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा हो, लेकिन इस तर्क को भी नहीं माना गया, इसलिए कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह राष्ट्र का प्रमुख है, वह संवैधानिक प्रमुख है, वह राष्ट्र का प्रतीक है, वह राष्ट्र का एक महान सिंबल है, तो वह उसका प्रतिनिधित्व पूरे राष्ट्र का भी होना चाहिए, मतलब उसमें विधानसभाओं के भी सदस्य जुड़ने चाहिए। तो संसद के सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य के अलावे प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के भी सदस्य उसमें शामिल होते हैं, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुदुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे कि दिल्ली, वहाँ की विधानसभाओं के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, अभी जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और वहाँ विधानसभा का गठन प्रस्तावित है, जबकि लद्दाख को एक अलग ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होती है, यानी राष्ट्रपति यहाँ का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होता है बल्कि वह मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है उसके सलाह पर ही कार्य करने के लिए बाध्य होता है। और संविधान के कुछ उपबंधों को हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वह वास्तविक प्रधान नहीं होता है। हाँ, कुछ उसे विवेकाधीन शक्तियाँ मिली हुई हैं लेकिन संवैधानिक विवेक वाली बात नहीं है, मतलब संविधान में विवेक की स्थिति का वर्णन नहीं किया गया है बल्कि परिस्थिति जन्य विवेक की स्थिति है, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग स्वतंत्र रूप से करता है। और इस वीडियो में मैं इस पर भी चर्चा करूँगा कि किस तरह से राष्ट्रपति का पद इस मामले में काफ़ी अहम हो जाता है, यानी कब कब वह अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है। तो आइए देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण तीन अनुच्छेदों को जहां से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का पता हम लोगों को चल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। वहीं पर अनुच्छेद 77(1) में कहा गया है कि भारत के कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इन वाक्यों के अध्ययन से यह लग रहा होगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं, लेकिन जरा गौर से इन कथनों पर अध्ययन कीजिएगा तो बात स्पष्ट हो जाएगी। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है, उसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही करेगा। और अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होगी। अब जरा समझिए कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए
मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही करेगा। यानी सलाह उसके लिए बाध्यकारी होगा। 42वें संविधान संशोधन में इसको पूरी तरह से बाध्यकारी बना दिया गया था कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना हस्ताक्षर किए लौटा नहीं सकते हैं। लेकिन 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा स्थिति थोड़ी बदली गई थी कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक पर सहमत नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिपरिषद को लौटा सकते हैं, और मंत्रिपरिषद या तो उसमें संशोधन करे या उसको पुनः उसी रूप में फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति बाध्य होता है अपने हस्ताक्षर करने के लिए, यानी उस विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति यह है कि वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, अन्यथा नहीं। हाँ, कुछ स्थितियों में वह वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि संविधान में ऐसी बात लिखी नहीं गई है। यह परिस्थिति जन्य है, परिस्थितियां ऐसी बनी और उनके हिसाब से इस तरह का विकास हुआ है। भारत के राष्ट्रपति के अधिकार शक्तियों और कर्तव्यों को समझने के लिए उसके अधिकार क्षेत्र को कई हिस्सों में बांट लिया जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उसके अधिकार और कर्तव्य विविध हैं जो वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित होते हैं। जैसे कार्यपालिका से संबंधित अधिकार, विधायी अधिकार, न्यायपालिका से संबंधित अधिकार, वित्तीय अधिकार, सैन्य अधिकार, कूटनीतिक अधिकार और आपातकालीन अधिकार। बारी बारी से इन अधिकारों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित अधिकार कौन से हैं, यानी कार्यपालिका संबंधी अधिकारों के अंतर्गत वह बहुत सारे कार्यों को करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। और कार्यपालिका से संबंधित अधिकारों में पहला उसका है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, उन्हें शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में उसका हाथ खुला नहीं है, वह किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता है। उसके लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि जो भी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसे ही प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यानी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मतलब हुआ कि बहुमत दल को आमंत्रित करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति उसी दल को या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा जिस दल की लोकसभा में बहुमत है, भले ही उसका नेता किसी भी सदन का सदस्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जो उस समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक शर्त होती है कि शपथ ग्रहण से 6 महीने की पूर्व तक की तिथि में उसे किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए, चाहे तो लोकसभा का या राज्यसभा का। यही बात मंत्रियों के संबंध में भी है, यानी मंत्री भी बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री पद धारण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी 6 महीना के अंदर निर्वाचित हो जाना चाहिए, यानी चुनाव जीतना चाहिए, तभी वह अपने मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का एक शक्ति विशेषाधिकार के रूप में आ जाती है कि जब किसी भी दल या गठबंधन को
लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का उपयोग करता है, यानी यह विशेषाधिकार उसे संविधान में से लिखित रूप में नहीं मिला हुआ है, बल्कि परिस्थिति जन्य इसका विकास हुआ है कि कोई दल बहुमत में नहीं होता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इंतजार कर सकता है कि कौन सा गठबंधन या कौन सा दल बहुमत साबित करने में सक्षम होगा, और जो दल राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं या राष्ट्रपति उन दलों से संपर्क साधता है तो उसे बहुमत सिद्ध करने की भरोसा दिलानी होगी, तभी राष्ट्रपति उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। और साथ ही वह संसद की पटल पर, यानी लोकसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कह सकता है, और बहुमत सिद्ध करना जरूरी होता है, और उसके लिए एक तिथि निर्धारित करता है कि इस तिथि तक बहुमत सिद्ध कर दी जाए। यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार जैसी स्थिति बन जाती है जब बहुमत नहीं हो किसी भी दल का। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा में जवाब देना होता है। वह कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां करता है, यानी राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह प्रधानमंत्री की सलाह मानी जाती है। और इस तरह से राष्ट्रपति कई सारी नियुक्तियों को करता है जो सरकार के कामों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, समय समय पर वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति। इस तरह से कई संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को बहुत सारे विधायी अधिकार भी मिले हुए हैं, उन बातों को भी समझ लीजिए और बारी बारी से सारे अधिकारों को समझते चलिए, यह आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत को पूरी की जा सके। राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधित और भी कार्य हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो राज्य और केंद्र के बीच विवादों पर विचार करती है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, वहाँ के लिए वह नियम विनियम बना सकता है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसका प्रशासन वही करता है। राष्ट्रपति के विधायी कार्य, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत के संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि वह उसकी कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह उसका अभिन्न अंग होता है। संसद के सत्र को आहूत करना या उसकी बैठक को बुलाना राष्ट्रपति का कार्य है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रतिवर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। वह संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में जरूरत पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, वहीं पर राज्यसभा में 12 सदस्यों को वह मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा जैसे कार्य से जुड़े हुए हों। राष्ट्रपति संसद में लंबित विधेयक या अन्य संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है, जवाब मांग सकता है। अगर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो तो ऐसी दशा में लोकसभा में वह किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। वहीं पर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी दशा में राज्यसभा के किसी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होता है।
राष्ट्रपति महानियंत्रक और लेखा परीक्षक के रिपोर्ट को संसद की पटल पर रखवाता है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य आयोगों की रिपोर्ट को भी वह संसद के समक्ष रखता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। इसलिए उनकी रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखवाने का काम भी राष्ट्रपति का ही है। और जितना ये सारा कुछ काम देख रहे हैं वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का काम है, बार बार ध्यान दीजिएगा इस बात पर। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब वह अध्यादेश जारी करता है, यानी संसद अगर सत्र में नहीं हो और कोई ऐसा कार्य आ जाता है जिस पर अचानक से ही कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। लेकिन शर्त यह होती है कि संसद की जब पुनः बैठक होती है तो 6 सप्ताह के अंदर ही उस कानून का अनुमोदन होना चाहिए। जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, उस पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है या पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। ऐसी 3 स्थितियां बन सकती हैं। और बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, यह भी तय है। अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है और संसद उसमें आंशिक संशोधन करती है या नहीं करती है, पुनः उसी रूप में विधेयक को राष्ट्रपति को सहमति के लिए वापस भेज देती है, तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर किसी विधेयक को वह अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है तब एक तरह से वह विटो का प्रयोग कर रहा होता है। और इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर बात अगर इसी वीडियो में बताई जाए तो यह काफ़ी लंबा हो जाएगी। इसलिए विटो से संबंधित राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उन पर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। जब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के फैसले के लिए सुरक्षित रख लेता है तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, उस पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है या राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन राज्य की विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए भेजती है तब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। कह सकते हैं कि राज्य की विधायिका जब विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है तब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति की न्यायिक अधिकार, यानी न्याय से संबंधित राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, इनको जान लीजिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। साथ ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ध्यान रखिएगा किसी भी विधि के प्रश्न उपस्थित होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का वह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। साथ ही अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के सजा को वह निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति के राजनैतिक और कूटनीतिक अधिकार, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं या समझौते होते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही वे समझौते होते हैं या संधियां होती हैं, ध्यान रखना होगा। राष्ट्रपति के सैन्य बलों से संबंधित अधिकार और कर्तव्य, राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। युद्ध की घोषणा हो या युद्ध की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां भी मिली हुई हैं। आपातकाल 3 तरीके का हो सकता है। 1, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इस पर राष्ट्रपति को काफ़ी शक्तियाँ मिले हुए हैं, काफ़ी अधिकार मिले हुए हैं। ये सारा अधिकार या कर्तव्य मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो मैं अलग अलग अधिकारों और कर्तव्यों पर
वीडियो लाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए मैं प्रयास करते रहूंगा। सभी अधिकारों पर तो नहीं, लेकिन उसके विधिक अधिकार या बिट्टो की शक्ति या आपातकालीन शक्तियाँ, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है या वित्तीय आपातकाल क्या है, इन पर मैं अलग से वीडियो जरूर लाऊंगा। आप लोग ध्यान रखिएगा।